लेकिन कैसे मैदानों की हो रहा है। अब 6,000 रुपया सारे देश के किसानों को हम लोगों ने भेजा था, हर किसान के खाते में 6,000 रुपया भेजा था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री से, ममता दीदी से मांगते रहे हम लोग, यहां के किसानों की सूची दे दीजिए, लिस्ट दे दीजिए, ताकि हम 6,000 रुपया उनके खाते में डाल सकें। बहनों भाइयों, हमको वह लिस्ट, लोगों के नाम की सूची ममता दी ने नहीं दी। क्या करें मोदी? बहनों भाइयों, मोदी जी की यह पीड़ा है और उन्होंने कहा है यदि इस बात यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और उनको विश्वास है कि बनेगी, तो बहनों भाइयों 6,000 रुपया आपका पहले का और आगे का पूरा पैसा आपके खाते में जाएगा। मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूं। अजीबोगरीब हालात है, सारा देश नवीन शताब्दी में जी रहा है, लेकिन पश्चिमी बंगाल 18वीं और 19वीं शताब्दी में जी रहा है। जबकि एक राजनाथ सिंह भी पश्चिम बंगाल की धरती पर बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करते हुए, लेकिन बंगाल में चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, सियासी हमले एक दूसरे पर और ज्यादा तीखे हो गए हैं। आज बंगाल में बीजेपी के दिग्गजों के साथ साथ ममता बनर्जी ने भी प्रचार और तेज कर दिया है, साथ ही साथ ममता के बीजेपी पर हमले भी और तेज हो गए। बांकुड़ा की रैली में आज उन्होंने सीधे सीधे अमित शाह पर निशाना साधा और चुनाव आयोग के कामों में हस्तक्षेप करने का आरोप जड़ दिया। तो वहीं दूसरी तरफ पुरुलिया की रैली में योगी आदित्यनाथ ने हिंदू कार्ड खेला और ममता बनर्जी पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगा दिया है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पश्चिम बंगाल में कई जनसभाएं कर रहे हैं। पश्चिमी मेदिनीपुर में रैली करने पहुंचे तो उन्होंने ममता को बंगाल में हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया। एक के बाद एक दूसरों पर हमले किए जा रहे हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जब पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे तो पूरी सभा में जय श्री राम के नारे गूंजने उठे। खुद योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी को हिंदू विरोधी करार दिया और एक के बाद एक जमकर योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी पर हमले किए। ममता बनर्जी को चंडी पाठ पर भी सवाल उठाए और आरोप लगाया कि बंगाल के मुख्यमंत्री को जय श्री राम के नारे से चिढ़ है। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने टीएमसी की प्रमुख पर बंगाल में भी गो तस्करी को बढ़ावा देने का आरोप लगा दिया। यूपी के मुख्यमंत्री ने दावा किया कि 2 मई के बाद बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी और जल्दी बंगाल सुनार बांग्ला में तब्दील होगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। ममता दीदी जय श्री राम के नारे से बहुत चिढ़ती है और जब मैं यहां पे आया तो मेरा अभिवादन जय श्री राम कहकर के सभी लोगों ने किया। दोनों हाथ ला करके बोलेंगे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। दोनों हाथ ला करके बोलेंगे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। वैसे एक परिवर्तन तो हुआ है, 2014 के पहले इस देश के अंदर एक ऐसी पीढ़ी, एक ऐसी नस्ल पैदा हो गई थी बड़ी संख्या में, जो मंदिरों में जाने को ये मानते थे कि उनके सेकुलरिज्म इससे खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन आज मैं देख रहा हूं ममता दीदी भी अब मंदिर में जाकर के चंडी पाठ कर रही है। ये परिवर्तन है ना। ममता दीदी जय श्री राम के नारे से बहुत चिढ़ती है और जब मैं यहां पे आया तो मेरा अभिवादन जय श्री राम कहकर के सभी लोगों ने किया। लेकिन पुरुलिया के बाद योगी आदित्यनाथ रैली करने बांकुड़ा पहुंचे जहां उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी लोगों को राम से दूर करने की कोशिश कर रही हैं। इसके बाद योगी पश्चिम मेदिनीपुर के बेलदा में चुनावी जनसभा करने वाले हैं। बांकुड़ा में कुल 12 विधानसभा सीटें हैं जिनमें 4 सीटों पर
सालतोरा, छतना, रानीबंद और रायपुर में पहले चरण में मतदान होना है। इसके अलावा योगी की पश्चिमी मेदिनीपुर में भी रैली है। पश्चिमी मेदिनीपुर की 4 विधानसभा सीटों पर भी पहले चरण में ही मतदान होगा। राम को हमारे जीवन से कोई अलग नहीं कर सकता है। जो भी राम से हमें अलग करने का प्रयास करेगा उसे सत्ता से वंचित होना पड़ेगा। और ममता दी ने तय कर लिया है कि अब बंगाल की जनता ने बर्दाश्त नहीं करेगी जब उन्होंने राम का विरोध करना प्रारंभ कर दिया है। तो पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह पर सियासी हमला किया है। ममता बनर्जी ने रैली के दौरान सीधे सीधे अमित शाह पर चुनाव आयोग के कामों में हस्तक्षेप का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि दिल्ली से बंगाल के खिलाफ साजिश रची जा रही है। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि जानबूझकर उनके सुरक्षा अधिकारियों को भी हटाया गया है। बीजेपी खेला हवे 27 तारीखे আপনাদের এখানে প্রথম ভোট আছে। বাকুড়ায় দেখেছেন আগের বার ভোট পেয়ে জিতেছিল বিজেপি, বিষ্ণুপুরে জিতেছিল বিজেপি। কি বিজেপি জিতনা বিখ্যাতরা মেরে কো কর সকতে হ্যায় কাটনে দো, হাম উসকো কোই কেয়ার নেই করতি হু, লেকিন এক বার জো হামসে টকরায়েগা ও চুর চুর হো জায়েগা। জো ফুল জিন্দাবাদ, জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় বাংলা। নির্বাচন কমিশন, আমার শ্রদ্ধা রেখেই আমি বলছি, নির্বাচন কমিশন কে চালাচ্ছেন? অমিত শাহ বাবু আপনি চালাচ্ছেন না তো আমার প্রশ্ন রয়ে গেছে। আমরা তো চাই ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন হোক, কিন্তু হু ইজ অমিত শাহ? তিনি ইলেকশন কমিশনকে গাইড করবার কে? তিনি ইলেকশন কমিশনের কাজে ইন্টারফেয়ার করছেন, ডে টু ডে কাজে ইন্টারফেয়ার করছেন। আর আমাদের বিরুদ্ধে রেগুলার আমার সিকিউরিটির মেন চার্জে যে তাকে পর্যন্ত সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ममता बनर्जी एक तरफ तो बीजेपी पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने का आरोप लगा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खुद को हिंदू साबित करने से भी वो पीछे नहीं हट रही हैं। बांकुड़ा में आज एक बार फिर ममता बनर्जी ने दुर्गा पाठ किया है। शक्ति भूते सनातनी गुणश्रयी गुणमयी नारायणी नमस्तुते शरणागत दीनार्थं परित्राण परायणे सर्वशक्तिहरे देवी नारायणी नमस्तुते ॐ जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमाधात्री सहस्रदा नमस्तुते। मा गो सकलेर कल्याण करो। हिंदू भाई बोनेरा उलुद्ध आपनारा सबाई भालो थाकुन। तो इससे पहले नंदीग्राम की सभा में भी ममता बनर्जी ने मन से ही चंडी पाठ किया था। नंदीग्राम में ममता ने दावा किया था कि वो रोज सुबह चंडी पाठ करने के बाद ही घर से बाहर निकलती हैं। साफ है, ममता बनर्जी ने बीजेपी को उसी की बिसात पर मात देने की योजना बनाई है। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज पश्चिमी मेदिनीपुर में थे और यहां उनकी 3 रैलियां होनी, इनमें से एक चुनावी रैली को संबोधित कर चुके हैं। दीदी के गढ़ में पहुंचकर राजनाथ सिंह ने ममता के खिलाफ हुंकार भरी और दावा किया कि चुनाव में बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी। साथ ही साथ उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी हिंसा रोकने में नाकाम रही हैं। ममता जी ने कहा था भारती मानुष, अरे भाइयों आज मां सुरक्षित है, न मानुष सुरक्षित है, न पश्चिमी बंगाल की भारती सुरक्षित है। इसका जवाब ममता दीदी से लिया जाना चाहिए। अब हाल में एक मीटिंग में कही थी थोड़ी सी चोट लगते, अब चोट लगे तभी उन्होंने आरोप करा दिया कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या यह सच्चाई है? मैं नहीं कह रहा, जांच एजेंसियों ने कहा है उन्हें पैर में चोट लगी है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के कारण चोट नहीं लगी है, चोट लगी है तो उनकी सुरक्षा में कमी थी और उनके कारण चोट लगी है। बहन भाइयों, राजनाथ सिंह की एक के बाद एक आज 3 रैलियां और ये रैली करने के बाद वो एक बार फिर एक रैली में संबोधित कर रहे हैं बीजेपी उम्मीदवारों की प्रचार के लिए।
निश्चित रूप से पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा को शांति मिलेगी कि जो हमने कहा था हमारे फॉलोअर्स ने आज उसको पूरा करके दिखाया है, चुटकी बजाकर धारा 370 को समाप्त कर। और जो जो कहा है हमने हर वचन को पूरा करें, प्राण जाई पर वचन न जाई, बहन भाइयों यही हमारा संकल्प, हर वचन को हम पूरा करेंगे। आपने देखा हमारा एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान आतंकवादियों को बराबर भेजता रहा, बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर में हमारे निर्दोष नागरिक आतंकवादियों के हाथों मारे जाते रहे। बहन भाइयों ने लंबे समय से सिलसिला चला आ रहा, लंबे समय से लुक छुप कर आते थे और यहां पर हिंसा को अंजाम देते, परिवर्तन आ गया। एक बार ऐसा हुआ कि वहां के आतंकवादियों ने आकर हमारे सेना के जवानों पर हमला कर दिया। बहन भाइयों हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि अब हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे और सर्जिकल स्ट्राइक करके हम लोगों ने दिखाया। और एक बार ऐसे ही कुछ आतंकवादियों ने हमारे कई सुरक्षा के जवानों को सीआरपीएफ के जवानों को मार डाला। बहन भाइयों उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला किया चाहे जो भी भारत ही नहीं यानी पड़ोसी देश की धरती पर जाकर हमें आतंकवादी ठिकानों का सफाया करना होगा तो करेंगे। और आपने देखा हम लोगों ने एयर स्ट्राइक की और आतंकवादी ठिकाने का सफाया कर दिया। यह है भारत की ताकत, यह है आज भारत की ताकत। दुनिया का सबसे ताकतवर देश जो अमेरिका माना जाता है, अमेरिका भी आज कह रहा है कि भारत अब मजबूत हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। यह कोई छोटी बात नहीं है, दुनिया का कोई देश किसी दूसरे देश को ताकतवर कहे ऐसा नहीं होता। देखो उन्होंने भी इस बात को कहा और इस बार आपने देखा एक और हमारा पड़ोसी देश है, एक और हमारा पड़ोसी देश है चीन। अब चीन के साथ भारत के सेना के जवानों का स्टैंड ऑफ माने आमना सामना हो गया। हमारे सेना के जवानों ने भी फैसला किया जो हो गया सो हो गया, अब किसी भी मां के लाल को भारत की एक इंच भूमि पर कब्जा नहीं करने देंगे। और हमारे सेना के जवानों ने आंख से आंख मिलाकर उसका जवाब दिया। यही कहना चाहता हूं बहनों भाइयों, जब तक हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हम हिंदुस्तानियों की आन बान शान पर किसी भी सूरत में आंच नहीं आने। आपका संबल चाहिए, आपका समर्थन चाहिए, इसीलिए हम लोग आपके बीच आए हैं। सीमाओं को भी हम सुरक्षित करेंगे, कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया ना रह पाए यकीन रखना। और यहां तक पश्चिम बंगाल में अराजकता का माहौल हम समाप्त करेंगे, घोटाला हुआ एक से एक घोटाले में तारे घोटालों का नाम नहीं लेना चाहता। अच्छा यह बताइए यहां घर घर में नल पहुंच गया है कि नहीं पहुंचा, पानी वाला नल बताइए। मोदी जी ने हर राज्य में कहा है कि भाई घर घर में नल होना चाहिए और केवल नल नहीं होना चाहिए उस नल में जल भी होना चाहिए। अब हमारे प्रधानमंत्री का संकल्प है 2024 समाप्त होते होते इस भारत में एक भी घर नहीं बचेगा जिस घर में नल न पहुंच जाए और नल से जल न निकलने लगे, ऐसा एक घर भी नहीं बचेगा। यह और कोई दूसरी सरकार नहीं कर सकती बहनों भाई, लेकिन जब तक यह पीएमसी की सरकार रही भारत के संघीय ढांचे को भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को बराबर टीएमसी की सरकार के। राजनाथ सिंह एक बार फिर ममता बनर्जी पर हमलावर हैं, ऐसे में जबकि तीन जनसभा को संबोधित करने वाले हैं आज एक दिन में ही राजनाथ सिंह, और एक बार फिर ममता बनर्जी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा है कि केंद्र की कई योजनाओं का फायदा पश्चिम बंगाल की जनता को उन्होंने नहीं होने दिया है। तो वहीं बंगाल के इस चुनावी दंगल में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और इसी कड़ी में आज बीजेपी के कई दिग्गज नेता स्टार प्रचारक बंगाल के अलग अलग इलाकों में चुनावी रैली कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बांकुड़ा के विष्णुपुर में भी रोड शो करने के लिए पहुंचे, रोड शो के बाद वो एक बैठक में भी शामिल होंगे और इसके बाद जेपी नड्डा
कोतुलपुर में एक रैली को भी संबोधित करने वाले। इसके अलावा शुभेंदु अधिकारी भी नंदीग्राम में बूथ लेवल कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। ममता के मैदान में आने से शुभेंदु के लिए नंदीग्राम की सीट भी बहुत अहम और प्रतिष्ठा की सीट बन गई है, इसीलिए वो भी अपनी पूरी ताकत लगाए हुए है और बीजेपी की भी कोशिश कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी को घेरा जाए। उनके उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी बूथ बूथ तक पहुंच करके तमाम कार्यकर्ताओं को एकजुट करते हुए रोड शो कर रहे हैं और अपने लिए वोट की अपील कर रहे हैं। तो ना सिर्फ बीजेपी के उम्मीदवार बल्कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार के लिए पश्चिम बंगाल की धरती पर उतरे हुए हैं। बीजेपी लगातार ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश कर रही है और बीजेपी की कोशिश है कि क्यों ना नंदीग्राम में ही उन्हें घेर कर रखा जाए। बीजेपी को हरा करके अब एक और नया समर जीतना चाहती ममता बनर्जी और उसने भी अब अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी का दावा है कि जब उनकी सरकार आएगी तो सुनार बांग्ला का सपना पूरा होगा। दीदी अपनी पैकिंग करें, कितना ड्रामा कर लें, नाटक कर लें, पश्चिम बंगाल की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी, और प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की ओछी बयानबाजी करके वो अपना कद खुद ही घटा रही हैं ममता दीदी। वही देश लाएंगे क्या? उनकी बहुत इच्छा थी चीफ प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, लोगों ने उनकी सीट ही कम कर दी, इसलिए जो काम उनको दिया गया था उसमें फेल हो गए हैं। अब हारने का डर से प्रधानमंत्री पर सवाल उठा रहे हैं लोग, तो उनको जवाब मांग रहे हैं कि 10 साल आपने क्या किया। लोगों ने प्रधानमंत्री को दोबारा ज़्यादा सीट देकर जिताया है और पूरा देश के लोग उन पर भरोसा करते हैं। ममता बनर्जी का ना अपने पार्टी पर भरोसा है, ना सरकार पर भरोसा है, ना पुलिस पर भरोसा है, और पीएम पर भरोसा होगा तो सोचना ही मुश्किल है। बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक बंगाल में उतर चुके हैं और आज जिन इलाकों में रैली हो रही है वो इलाका जंगल महल कहलाता है। जंगल महल में पुरुलिया, बांकुड़ा, झाड़ग्राम, बीरभूम, पश्चिमी मेदिनीपुर के जिले भी आते हैं और ऐसे में सवाल यह है कि अब जंगल महल किसका होगा। लोग यही उम्मीद लगाएं कि जो जंगल महल में ज्यादा सीटें जीत पाएगा वो एक बड़ी जीत पश्चिम बंगाल में हासिल कर सकता है। जंगल महल पर सबकी निगाहें हैं, हर राजनीतिक पार्टी जंगल महल जीतना चाहती है। बीजेपी और टीएमसी दोनों ही जोर शोर से इसके लिए चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं और हम आपको बताते हैं कि दरअसल इस जंगल महल इलाके के असली मुद्दे हैं क्या। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, विकास और स्वास्थ्य, ये मूलभूत ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर राजनीतिक दल चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। विपक्ष जहां लगातार ममता बनर्जी पर आरोप लगा रहा है कि यहां स्वास्थ्य सेवाएं ठीक नहीं है, विकास नहीं हुआ है, इसलिए सरकार बदली जाए, तो पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव से पहले ही बीजेपी अपना संकल्प पत्र भी ला सकती है और ये एक बेहद अहम खबर इस वक्त की। न्यूज 18 को सूत्रों से उन मुद्दों की भी जानकारी मिली है जो बीजेपी के संकल्प पत्र में हिस्सा हो सकते हैं। न्यूज 18 के यतेंद्र शर्मा की रिपोर्ट है कि इस संकल्प पत्र में बीजेपी पश्चिम बंगाल में घुसपैठ पर लगाम लगाने का वायदा कर सकती है, यानी बांग्लादेश से रोहिंग्या मुसलमानों के बंगाल में दाखिल होने पर रोक लगाने का वायदा। इसके अलावा बांग्लादेश से आने वाले गैर मुसलमानों को नागरिकता का अधिकार देने का वायदा भी बीजेपी अपने संकल्प पत्र में कर सकती है। बीजेपी इस संकल्प पत्र में केंद्र की आयुष्मान भारत और किसान सम्मान निधि योजना जैसी योजनाएं भी लागू करने का वायदा कर सकती है, जिसे बंगाल में लागू ना करने का आरोप भी ममता बनर्जी पर बीजेपी लगाती है। इसके अलावा आदिवासी समुदाय को लुभाने के लिए आदिवासी स्मृति संग्रहालय बनाने का वायदा भी बीजेपी कर सकती है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर टीएमसी को घेरने वाली बीजेपी राज्य में शांति व्यवस्था कायम करने का वायदा भी करेगी अपने घोषणा पत्र में और यह भी एक अहम मुद्दा रख सकती है। साथ ही बांग्ला फिल्मों के उद्योग को और बढ़ावा देने के लिए भी योजनाएं शुरू करने की बात बीजेपी अपने संकल्प पत्र में कर सकती है जो पहले चरण के मतदान से पहले ला सकती है। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद शिवराज सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। बसों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए मास्क लगाना अब जरूरी कर दिया गया है। अगर कोई यात्री बगैर मास्क के पकड़ा गया तो उस पर जुर्माना भी मध्य प्रदेश में लगाया जाएगा। सभी बसों में बस की मालिक की जवाबदारी है, बस के ड्राइवर की, कंडक्टर की जवाबदारी है कि वो हर यात्री के लिए मास्क कंपलसरी करें। प्लेन हो, ट्रेन हो, सब फुल कर दी गई है।
हमारा सोचना है मास्क कंपल्सरी करेंगे, मास्क नहीं लगाएगा उसे पेनल्टी करेंगे। तो एक बड़ी खबर आ रही है गुजरात से भी, जहां कोरोना के मामले बढ़ने के बाद राज्य के कई जिलों में सख्ती बरतने का आदेश दे दिया गया है। साथ ही साथ अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट में 17 मार्च यानी कि कल से ही नाइट कर्फ्यू लगेगा और यह कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक होगा। इस दौरान लोगों के घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी होगी। नाइट कर्फ्यू 31 मार्च तक जारी रहेगा। गुजरात में यह एक बड़ा फैसला लिया गया है, लेकिन अब लोगों से एहतियात बरतने की भी बात कही जा रही है। लेकिन गुजरात सरकार ने नाइट कर्फ्यू का भी एक बड़ा फैसला लिया है। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में अब लापरवाही लोगों को भारी पड़ती जा रही है और इसी की तस्वीरें देश के कई अलग अलग राज्यों से और इलाकों से भी मिल रही है। महाराष्ट्र में तो कोरोना की एक नई लहर अब साफ तौर पर देखी जा सकती है और इसी की वजह से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को भी एक चिट्ठी लिखी है और कोरोना की दूसरी लहर का जिक्र इसमें किया है और यही वजह कि शासन स्तर पर बेहद सख्त कदम उठाए जाने की भी बात कही गई है। देश में फिर फटा कोरोना बम। फिर लौट आई है महामारी। विकराल हो रहा है वायरस। देश में दूसरी लहर की दस्तक। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के जिस खतरे को लेकर पूरी दुनिया को आगाह किया था, वही खतरा और वही डर एक बार फिर भारत पर मंडराने लगा है। कोरोना जैसी खतरनाक महामारी पर ब्रेक लगाने के बाद एक बार फिर भारत में ये वायरस प्रचंड रूप लेता जा रहा है। देश के नक्शे पर गौर करें तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और कर्नाटक जैसे राज्यों में इस वायरस की दोबारा दस्तक ने सत्ता और शासन को सख्ती पर मजबूर कर दिया है। बावजूद इसके लोगों की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। सबसे बड़ी मुसीबत तो महाराष्ट्र में सामने आई है, जहां कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना चाहते हैं और ना ही मास्क पहनना लोग जरूरी समझ रहे हैं। अब जरा मुंबई की दादर सब्जी मंडी का भी हाल देख लीजिए, जहां ना तो लोगों में कोरोना की दहशत का असर है और ना ही लोग वायरस की इस दूसरी लहर को गंभीरता से ले रहे हैं। मुंबई में कोरोना के आंकड़े तेजी से बदल रहे हैं और साथ ही साथ हर दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन साथ में अगर कुछ बदल नहीं रहा है तो कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाना। मैं इस वक्त मौजूद हूं दादर की सब्जी मंडी में और यहां पर देखिए कि किस तरह से हर दिन जिस तरह की तस्वीर नजर आती है उसी तरह की तस्वीर आज भी नजर आती है। आज की तस्वीर इसलिए अहम है क्योंकि इसको लेकर कल न्यूज 18 ने मुंबई की मेयर किशोरी पिंडरेकर से सवाल पूछा था और उन्होंने कहा था कि इस पर कदम उठाया जाएगा और या तो अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाएगा या तो इस मंडी को बंद कर दिया जाए, लेकिन उस बात का कोई असर मेयर की अब तक देखने को इस मंडी में नहीं मिल रहा है और ये तस्वीरें साफ तौर पर ये बयां करती हैं कि किस तरह से जो है कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मुंबई से आए बीते 5 दिन के आंकड़ों पर जरा नजर डालिए। 11 मार्च को 1508 मरीज कोरोना के सामने आए, 4 लोगों की मौत भी हुई। 12 मार्च को 1646 कोरोना के मरीज पाए गए, 4 लोगों की कोरोना की वजह से मौत भी हुई। 13 मार्च को आंकड़ा बढ़कर 1708 तक पहुंच गया और कोरोना से 5 लोगों की जान भी गई। 14 मार्च को 1962 कोरोना के मरीज पाए गए और 7 लोगों ने कोरोना से अपनी जान भी कमाई। 15 मार्च को 1713 कोरोना के नए मरीज सामने आए, 4 लोगों की कोरोना की वजह से मौत भी हुई। कोरोना वापसी की वजह से महाराष्ट्र में हालात और बुरे होते जा रहे हैं और यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार एक बार फिर सख्त कदम उठाने को मजबूर है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक महाराष्ट्र में 31 मार्च तक सख्ती बढ़ा दी गई है।
शादी समारोह में लोग ज्यादा इकट्ठा न हो इसके लिए 50 लोगों को ही इजाजत दी गई है। अंतिम संस्कार में 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। दफ्तर में 50% लोगों को ही अनुमति होगी। सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्यक्रमों पर महाराष्ट्र में रोक लगा दी गई है। हालांकि जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को छूट दी गई है। बीते 9 दिन में मुंबई में कुल 13,456 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 40 लोगों की कोरोना की वजह से मौत भी हुई है। मुंबई में कोरोना विस्फोट के बड़े खतरे को भांपते हुए 31 चौल को कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया है। इन चाल में रहने वाले लोगों की संख्या 2,92,000 है। अब तक कुल 220 इमारतों को सील किया जा चुका है। इन सील इमारतों में रहने वाले लोगों की संख्या 45,000 के करीब है। अब तक कुल 3,170 मंजिलों को सील कर दिया गया है। इन मंजिलों पर रहने वालों की संख्या 5,56,000 बताई जा रही है। मुंबई में कोरोना बेड की कुल संख्या 12,998 थी, जिनमें अब इस्तेमाल किए जा रहे बेड्स की संख्या 5,240 है, यानी मौजूदा वक्त में 7,758 बेड खाली हैं। आईसीयू बेड की बात करें तो इनकी संख्या कुल 1,536 है, जिनमें 845 बेड का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि 691 बेड खाली हैं। उधर महाराष्ट्र से ही लगे मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के करीब 800 मामले सामने आए हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी कोरोना की दस्तक ने प्रशासन को सख्त कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। बीते 24 घंटों में यहां कोरोना के 259 मरीज सामने आए हैं। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों की वजह से भोपाल जिले में धारा 144 लगा दी गई है। लोगों को हिदायत दी गई है कि किसी भी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों को रात 10:30 बजे तक खत्म करना होगा। इस दौरान जुलूस, रैली और धरना प्रदर्शन पर रोक रहेगी। आम जन से भी मैं निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं, निश्चिंत ना हो, मास्क लगाएं, सावधानियां रखें, बाकी भी आवश्यक उपाय किए जाएं। देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना अपना फन दोबारा फैलाने लगा है। बीते 4 दिन से लगातार दिल्ली में हर दिन 400 से ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं, लेकिन लापरवाही और लोगों के बहानों ने यहां भी हदों को पार कर दिया है। देश में लगातार फिर से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और राजधानी दिल्ली भी इससे अछूती नहीं है। पिछले 4 दिनों में दिल्ली में भी 400 से ज्यादा केस आ रहे हैं, जो एक समय में 100 से 150 के आसपास केसेस पहुंच गए थे। इसके पीछे वजह माना जा रहा है कोरोना नियमों में लापरवाही। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली की गाजीपुर सब्जी मंडी में है। यहाँ की तस्वीरें अगर हम आपको दिखाएं, देखिए यहाँ पर सुबह का वक्त है और जो यहाँ मंडी में लोग खरीदार आते हैं, जो विक्रेता हैं, वो यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आपको मास्क जो है किसी पर भी नजर नहीं आएगा। बहुत कम लोगों ने यहाँ पर मास्क पहने हैं। इन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है। मास्क नहीं पहनने, कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, क्यों मास्क नहीं पहनने? मास्क तो धो के रखा हूँ ना, रूम ये ना भी लगा। अच्छा, कह रहा हूँ मास्क नहीं पहना, क्या कहेंगे? अभी बीमारी का डर नहीं है? खाना खा रहे थे। अच्छा, खाना खा रहे थे अभी। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी कोरोना गाइडलाइंस की लगातार अनदेखी हो रही है। हनीमैन सब्जी मंडी का हमने जब जायजा लिया तो तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई कि आखिर क्यों कोरोना दोबारा अपने पांव पसार रहा है। महाराष्ट्र समेत देश के कई इलाकों में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन लोग सावधानी बरतने को तैयार नहीं। इस वक्त लखनऊ के हनीमैन की मंडी में हम आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक आपको भीड़ दिखाई देगी, लेकिन जो मास्क लगाने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? अरे सर लगा, क्यों नहीं लगाया बताइए ना, क्योंकि केसेस भी बढ़ रहे हैं, कोविड का पालन भी करना, क्यों भाग क्यों रहे बताइए ना, क्यों नहीं लगाया? अरे नहीं लाया सर। कहाँ से आ रहे हैं हम? गोमती नगर से। मास्क क्यों नहीं लगाए? अभी कोरोना गया नहीं है। अच्छा चलिए भाई, लंगोटा लगा लेंगे। लगाना चाहिए ना, देखिए भीड़ है, ये दुकान वाले हैं। कितने लोग मास्क लगा के नहीं आ रहे हैं बताइए? आप भी नहीं लगाए हैं, बहुत सारे लोग भी नहीं लगाए। हाँ। लगाना चाहिए ना, लगाना चाहिए, भीड़ है, लगाते हैं, धूप के मारे खोल देते हैं। उधर पंजाब में भी कोरोना की नई लहर ने मुसीबतें बढ़ा दी है। पंजाब के 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, जबकि कार्यक्रमों में सिर्फ 200 लोगों की ही इजाजत दी गई है। इतना ही नहीं, बेकाबू वायरस की वजह से बोर्ड की परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं।
एक साल से तांडव मचा रहे कोरोना पर भारत जैसे घनी आबादी वाले देश ने अच्छी खासी नकेल कस ली थी, लेकिन इस घातक वायरस के खिलाफ लापरवाही एक बार फिर से भारी पड़ती दिखाई दे रही है। बच्चे चाहें तो देश बदल दें, बच्चे चाहें तो एक नई दुनिया बसा दें, ऐसे ही कुछ अद्भुत यंग जीनियस के साथ नेटवर्क 18 दिखा रहा है एक अनोखा शो बायजूस यंग जीनियस। 20 मार्च को शाम 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर मिलिए अन्याय के खिलाफ दीवार बनकर खड़ी दिल्ली की 12 साल की अनुष्का जॉली से, वो लड़की जिसने बुलिंग करने वाले अब डरने लगे हैं। अनुष्का के दोस्तों ने स्कूल के एनुअल डे पर 6 साल की एक बच्ची को बुली करने, तंग करने, उसे परेशान करने का प्लान बनाया, लेकिन जब अनुष्का ने देखा कि वो बच्ची बुरी तरह से सहम गई है तो उसने अपने दोस्तों को मना किया और उस बच्ची को बचाया, और उसी के बाद अनुष्का ने ABS यानी कि एंटी बुलिंग स्क्वाड की शुरुआत की। ये ऐसा वेब प्लेटफॉर्म है जहां एक्सपर्ट्स की मदद से बुलिंग की शिकार बच्चों को मदद दी जाती है ताकि वो जिंदगी भर उस जिल्लत में ना घुटें। अनुष्का सबको बुलिंग ना करने की शपथ भी दिलाती है। वो अब तक 700 बच्चों की मदद भी कर चुकी है। 20 मार्च को शाम 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर मिलिए एंटी बुलिंग स्क्वाड की फाउंडर और CEO, जरूर देखिए बायजूस यंग जीनियस।